ये जो बाइक है ये कॉन्टिनेंटल जी टी 650 है और इस बाइक में सो हाय फ्रेंड, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अपनी बाइक का फुल रिव्यू दूंगा तुम्हें, तो मैं आज अपने अच्छे से एक वीडियो निकाल देता हूँ रिव्यू की कॉन्टिनेंटल जी टी 650 की, कि इसमें मैंने क्या क्या पार्ट्स यूज़ किए हैं एंड अपना क्या कहते हैं इसको कितना इसका प्राइस है और मैंने कहाँ से ये करवाया है, तो ये हम चेक कर लेते हैं। तो ये कमल भाई बैठे हैं आगे बाइक में, ये हमारे कमल भाई जी, खतरनाक डॉन, जरा मुस्कुराएं भाई, मुस्कुराएं आप सुंदर में। चलो फिर, और हेलमेट कौन पहनेगा भाई, हम दूसरों को एडवाइस देते हैं, हेलमेट नहीं पहना है, गलत बात है, दिखाने के लिए रखा है, न्यूट्रल मारो ना। चलो फिर, ये आज मैंने अपनी कॉन्टिनेंटल जीटी निकाली है, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो बारिश नहीं होना चाहिए, और मैं तुम्हें इसका पूरा रिव्यू दूंगा आज कि मैंने ये कहाँ से इसके ये पार्ट्स यूज़ किए हैं और कहाँ पे मैंने ये लगवाए हुए हैं और किन से मैंने लगवाए हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको पूरा दे दूँगा, पूरी बाइक का मैं आपको बता दूँगा और लगाने के बाद का रिव्यू भी दे दूँगा तुम्हें। अभी बाइक मेरी हार्डली 1400 किलोमीटर चली है, चलाने में तो बहुत बहुत अच्छा फील है, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है, बट मतलब ये है कि अच्छा है, जो भी है अच्छा है, जैसा भी है बहुत प्यारा है। मेरी मम्मा को मंकी ने काट लिया है तो उस वजह से मेरे को नारियल का पानी लेना है। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है यहाँ पर ना, लाइक सीरियसली यार, ये फ़ोन पे ले लेगा मेरे को दे दे, मैं तेरे को फ़ोन पे कर दूँगा। कितने का है? 60 का है क्या? वाह, आई एम स्माइलिंग ब्रो, काफ़ी क्राउड रहता है यहाँ पे। टाइम इज ओवर, पहुंचते अपने लोकेशन पे। सुख फ्रेंड्स, कैसे हो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो ये जो मेरी बाइक है ये कॉन्टिनेंटल जीटी 650 है, मैंने जैसे तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं इस बाइक का फुल स्पेसिफिकेशन तुम्हें दूंगा, मैंने कहां से ये मॉडिफाइड करवाई है और कहां से इसका क्या चीज़ें इसमें लगी हुई हैं, क्या एसेसरीज़ हैं और क्या क्या कितनी इसकी कॉस्ट है और ये कहाँ से पड़ा है, मैं तुम्हें प्रॉपर इसका वीडियो दूंगा। भाई इस साइड आना एक बार। और ये जो बाइक है ये कॉन्टिनेंटल जीटी 650 है और इस बाइक में ये इसको बोलते हैं मिस्टर क्लीन कलर। मिस्टर क्लीन मीन्स ये क्रोम कलर, हम क्रोम बोलते हैं, बट इसका जो पूरा स्पेसिफिक नेम है उसका नाम है मिस्टर क्लीन। तो इस बाइक का क्या सीन है, 650 सीसी है ये और इसमें मैंने एक्स्ट्रा ये काउल लगाया हुआ है। काउल की कॉस्टिंग मुझे पड़ी है 3010 समथिंग लाइक, इतना ही है, पर इतना इसका 3000 की कॉस्ट पड़ी है मुझे। और इसमें एग्जॉस्ट में चेंज करवाऊंगा, आने वाला है कुछ दिनों में आ जाएगा। और ये जो इसका साइड वाला बैटरी, ये जो कवर है ये सिंपल है, ये भी मैं चेंज करवाऊंगा। बट इस बाइक में जो मेन चीज़ है वो है इसका फेयरिंग। इस फेयरिंग का नाम है FF650R कैफेरिस और इसमें क्या है, ये पीछे एक टेल आईडी लगी हुई है। टेल आईडी सेंस क्या होता है गाइज, ये इसकी सीट थोड़ी थोड़ी आगे तक आती है, यहाँ तक आती है, मैंने इसको कट करवाया हुआ है यहाँ से। और एक ये अंदर, इसके अंदर जो ये तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर एक लाइट जलती है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। हाँ, तो मैं तुम्हें जैसे बता रहा था कि इस बाइक में जो ये इसमें ये मैंने दिला रखी है अंदर, एक नीचे एक टेल आईडी डली हुई है। भाई नीचे बैठना एक बार। हाँ, ये जो तुम्हें लाइट दिख रही है इसके अंदर, ये लाइट इसकी इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है इसको, बाइक को। तो ये अलग से किट लगी है, इसकी कॉस्ट आई गेस 6500 के करीब है। उसमें यहाँ पर तुम अपना नंबर प्लेट भी लगा सकते हो, लाइट तुम्हें मिल रही है और इसमें इंडिकेटर भी मिलता है, हमें इंडिकेशन भी देता है ये साइड पर, बहुत कम सा है बट दिखा रहा है ये। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, akizaraider01 मेरा इंस्टा आईडी है, उसमें तुम इसको मैसेज कर देना मुझे, मैं तुम्हें प्रॉपर अच्छे तरीके से बता दूंगा। तो इस फेयरिंग में एक और चीज़ है फ्रेंड, हमें लगता है कि फेयरिंग लगवाई तो हम नंबर प्लेट कहाँ लगवाएंगे। हाँ, एक दिक्कत है कि इंडिकेटर जितने भी थे इसके सब निकाल दिए हैं, अलग से इंडिकेटर लगते हैं, वो मैं मंगवाऊंगा, उस टाइम अवेलेबल नहीं थे। और ये जो है ये MK डिज़ाइन की, इसके अंदर वो दे रखी है, तुम्हें शायद दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, ऊपर की तरफ है और यहाँ पर नंबर प्लेट लग जाएगी। मैंने इसलिए लगाई क्योंकि अभी इसके नंबर नहीं आए, क्योंकि बिल्कुल बाइक न्यू ब्रांड है। तो बस इतना ही इसके बारे में है। और प्राइस मतलब पूरा मिला के मेरे को ये पड़ गई थी आई गेस 60,000 की पड़ गई थी, और दिल्ली जाना आना लाइक है ना, दिल्ली के पास में फरीदाबाद। सो फ्रेंड, मैंने तुम्हें बाइक का अच्छे से रिव्यू दे दिया है और अब मेरा फ्रेंड उसके बारे में तुम्हें अच्छे से बता देगा, क्योंकि हर किसी का एक राइडिंग पॉस्चर अलग होता है। और ठीक है, वो अच्छे से बताएगा तुम्हें उसको कैसा एक्सपीरियंस मिला है, उसको लाइक अच्छा लगा होगा उसको।
तो मैं अभी करता हूँ अपने अपने फ्रेंड की तरफ कैमरा, तो तुम अच्छे से बताएगा। सो रोहित प्लीज टेल मी द ट्रुथ ब्रदर, आपको कैसी लगी बाइक? दिस बाइक इज अमेजिंग, सुपर कूल, आई हैव नो वर्ड्स अबाउट द बाइक एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस बाइक इज अ बीस्ट। द वे इट लुक्स, द वे इट शाइन्स, द वे द टेक्सचर इज, वैसा इसका इंजन भी वैसा ही है। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम चलाया था, आई फेल्ट द बूस्ट और नो वर्ड्स मैन, बहुत यूनिक सी बाइक है। आप खुद देख रहे हो, द वे इट लुक्स, द टेक्सचर, द शाइन, मैन, नो वर्ड्स। And people who have modified and created this bike are very professionals and talented. And if you want to contact them, just contact my friend Akki and he will guide you about the modification and the people who are behind it. Or yaar koi words nahi mil raha. This bike is a beast, trust me guys. Beast. Color kaisa laga? Color bahut unique hai, color bahut unique hai. आप मेरे को नहीं लगता कि आपको ऐसा कलर किसी बाइक में ऐसा दिखेगा, ऐसी शाइन दिखेगी आपको किसी और बाइक में। और आप खुद देखो एक बार, आप खुद टेक्सचर खुद देखो यार, मेरे को लगता है कि आप इसकी जो स्टॉक एग्जॉस्ट है वो कैसे लगे? एग्जॉस्ट आपके सामने है, नो वर्ड्स, आपके सामने, आपके सामने।